हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है सम हिल स्टेशन घोस्ट्स। एंड फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद सम हिल स्टेशन घोस्ट्स। पहाड़ी इलाकों में अक्सर भूत एवं प्रेतों की कहानियाँ मशहूर होती हैं। कोई भूथा रिक्शा या कोई सरकटा घुड़सवार, और पहाड़ों में तो कई तरह के भूत होते हैं। जैसे वह सफ़ेद साड़ी वाली डायन, उसे एक हिल स्टेशन की एक प्रमुख दीवार पर अक्सर बैठे हुए देखा जा सकता है। कभी भी आप उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट न दें, वह आपको सम्मोहित करके आपकी पूरी छुट्टियां ख़राब कर देगी। पहाड़ों के टैक्सी ड्राइवर्स और दूसरे लोकल लोग उसे भूत आंटी कहते हैं। कभी ना कभी सभी ने मध्य रात्रि में उसे घूमते फिरते देखा है। उसे लिफ्ट देना मुसीबत बुलाना है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसी इलाके में हुए हैं सिर्फ उस भूत आंटी की वजह से। और फिर जब लोग एक्सीडेंट्स होने के बाद अपने आप को हिम्मत जुटाकर उठाते हैं, या फिर कोई राहगीर उन्हें उठाता है, तो ये भूत आंटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। और फिर सबसे अजीब बात तो ये है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि वह उनके साथ कार में ही थी। एक रात की बात है, मैं आपको बताता हूँ, जब गणेश, सैली, आशा और मैं इन्हीं पहाड़ों में एक पार्टी से वापस आ रहे थे, जब हमने सच में इस भूत आंटी को रोड के साइड में खड़े हुए देखा। जैसे ही हमने उस पर अपनी कार के हेडलाइट्स को मारा, इस भूत आंटी ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और एक शैतानी मुस्कुराहट बिखेरी। मगर वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके बाएं और दाएं के दो दांत बिल्कुल ड्रैकुला की तरह बाहर की ओर निकले थे। मत रुको, जल्दी निकलो यहाँ से, उसकी तरफ मत देखो, ये वही भूत आंटी है, निकल चलो यहाँ से, जल्दी करो। गणेश ने एक्सीलेटर को ज़ोर से दबाया और हम सब वहाँ से निकल पड़े। अगले दिन हमने सुना कि एक टूरिस्ट कार का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी में बैठे यात्रियों को काफ़ी चोटें भी आई हैं। और ये एक्सीडेंट तब हुआ जब उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत को गाड़ी में लिफ्ट देने की कोशिश की, मगर वो औरत ना तो उनके साथ घायल हुई और ना वहाँ उस गाड़ी में कभी दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी उस भूत आंटी की जो अक्सर इन पहाड़ी इलाकों में लोगों को दिखती है। अब हमारी अगली कहानी है मिस रिपली बीन की, आइए सुनते हैं। मिस रिपली बीन एक बुजुर्ग अंग्रेज महिला जो मेरी पड़ोसन थी जब मैं वाइनबर्ग एलन स्कूल के पास रहा करता था। उन्होंने मुझे एक बेहद डरावना अनुभव बताया था। उन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार को एक बेहद डरावना परेशान कर देने वाला प्रेत पीछे पड़ गया था, और वो भी एक कटा हुआ सर। वह कटा डरावना भयानक सर सिर्फ तभी दिखाई देता जब मिस रिपली बीन के परिवार के किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन ने उसी कटे सर को देखा था उनके पिता की मृत्यु से एक रात पहले। वह दरअसल एक ही कमरे में सोती थीं। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थीं, तो एक भयानक आवाज़ जो कबर्ड में से लगातार आ रही थी, उसने उन्हें जगा दिया। उनमें से एक बहन ने उठकर ये देखना चाहा कि कमरे में कोई बिल्ली तो नहीं, मगर जैसे ही उन्होंने वह कबर्ड खोला तो एक भयानक सर उसमें से निकला। वह सर एकदम सड़ा गला था, बदबू से भरा और बेहद डरावना। वह गुर्राया। जैसे ही वे दोनों बहनें अपनी जगह से हिली, वह सर गायब हो गया। अगले दिन उन्हें ये पता चला कि उनके पिता जो लखनऊ में थे, उनकी मृत्यु हो गई है, और उसी वक्त उन्होंने वह भयानक सर देखा था उनकी मौत से चंद सेकंड्स पहले। फ्रेंड्स, दुनिया के हर देश मुल्क में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भूथा घरों की कहानी सुनना पसंद करते हैं, और बहुत सारे राइटर्स ने ऐसी कहानियाँ लिखी भी हैं, जिनमें से एक है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत सारी यादगार भूथा कहानियाँ लिखी हैं। इनमें से कुछ हैं द रिटर्न ऑफ एमरे, द फैंटम रिक्शा, द मार्क ऑफ द बीस्ट एंड द हॉन्टेड डार्क बंगलो। ऐसी कई सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो आज भी हर पाठक को बेहद रोमांचित करती हैं जब भी वह इन कहानियों को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगली कहानी एक मॉर्चरी का बेहद डरावना अनुभव है जो एक शख्स के साथ हुआ, आइए सुनते हैं। एक मॉर्चरी एक बेहद डरावनी जगह होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं। पुराने मिस्टर जेकब, जो उस पुराने कॉटेज के पीछे रहते थे,
वह कभी मिशन हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करते थे। उन दिनों वह हॉस्पिटल सनी बैंक पर था, 100 मीटर ऊपर पहाड़ी पर। कभी आउट हाउस रही इस इमारत में अब मॉर्चरी थी। वो एक भयानक हादसे के बारे में मुझे बताते हैं जब वे मॉर्चरी में काम किया करते थे। एक बार एक आदमी की लाश पास की एक नदी में पाई गई थी, उसे फिर मॉर्चरी में लाया गया। मेरी उस रात ड्यूटी थी मॉर्चरी में। उस लाश को टेबल पर रख दिया गया और उस पर सफ़ेद चादरें डाल दी गईं। मैं कभी भी इन बेचारी बेजान लाशों से डरता नहीं था, चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो। एक बार मेरा एक ख़ास दोस्त इसी मॉर्चरी में मेरे पास मिलने आने वाला था और बस टाइम पास करने के लिए मैं पूरे कमरे के चक्कर लगाने लगा और एक मशहूर गाने की धुन सीटी से निकालने लगा। मगर इतना करने के बावजूद भी मेरी बोरियत दूर नहीं हुई और मैं थक हार कर उस बेंच पर बैठ गया। वह रात काफ़ी शांत थी। मैं कुछ असहज महसूस करने लगा था। अब मेरा ध्यान उस लाश पर गया जो मेरे सामने पड़ी थी। मैंने सोचा, न जाने ये शख्स कैसे डूब कर मरा होगा और जब वह बेचारा जिंदा होगा तब कैसा दिखता होगा, कैसी बातें किया करता होगा, उसके क्या सपने होंगे। एक और ख़राब बात इस मॉर्चरी में थी कि यहाँ पर बिजली का कोई प्रावधान नहीं था, बस एक केरोसिन लैंप और वह भी अब बुझने की कगार पर था। जैसे ही मैंने उस केरोसिन लैंप को जलाने की कोशिश की, वह फिर से बुझ गया। मैंने फिर से उस लैंप को जलाया और उसकी लौ को भी बढ़ा दिया और उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। और बहुत देर नहीं हुई थी कि वो लैंप फिर से बुझ गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ बहुत ही चुपचाप दबे पांव मेरे पास से निकली है। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे अब मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी जो बहुत तेज़ चल रही थी। मेरे पैर बिल्कुल बेजान लगने लगे थे। मेरे पैरों में थोड़ी बेजान होती तो मैं वहाँ से भाग जाता, पर मेरे तो शरीर में जैसे कोई जान थी ही नहीं। मैं चिल्लाकर किसी को बुला भी नहीं पा रहा था। और फिर वह कदमों की आवाज़ आने लगी, भारी कदमों की आवाज़ धीरे धीरे मेरे पास पास और पास आने लगी। कुछ बेहद ठंडा जिसने मेरे हाथों को पहले छुआ, फिर वो चीज़ मेरे गले तक अपने ठंडे हाथों को ले आई और पलक झपकते ही मुझे ऐसा लगा कि वह चीज़ मेरे पीछे है, फिर मेरे आगे, फिर मेरे ऊपर। मैं अब उसी लाश के हाथों में था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा शायद मैं बेहोश हो गया हूँ, पर जब मैं उठा तब मैंने अपने आप को फर्श पर लेटा हुआ पाया। मेरा दोस्त आ चुका था और मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। वो लाश टेबल पर ही पड़ी हुई थी। क्या ये एक बुरा सपना था या फिर महज इत्तेफाक, मैंने कहा। नहीं नहीं, मिस्टर जेकब बोले, वहाँ मॉर्चरी के उस कमरे में मैंने देखा था। कुछ गीले हाथों के निशान मेरे कपड़ों पर थे और उसी लाश के पैरों के बराबर गीले पैरों के निशान मॉर्चरी के फर्श पर भी थे। मैं इतना डर गया था कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया और फिर वापस वहाँ कभी नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये था मिस्टर जेकब का मॉर्चरी का बेहद डरावना अनुभव। अब हमारी अगली कहानी है हॉन्टिंग एट द ओल्ड रेस्ट हाउस। आइए सुनते हैं। ये इन पहाड़ों की सरकार की मेहरबानी ही थी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस पुराने रेस्ट हाउस में रुकने का एक मौका दिया था। यह रेस्ट हाउस इस पहाड़ी इलाके के बाहरी छोर पर था। यह रेस्ट हाउस काफ़ी पुराना था। यहाँ पर सिर्फ एक चौकीदार था। उसी ने मुझे ये बताया था कि यह पुराना रेस्ट हाउस भूतहा है और यही वजह है कि यह रेस्ट हाउस कई सालों से बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे लगा न जाने कैसी कैसी भूत प्रेत की घटनाएं यहाँ हुई हैं जो यह रेस्ट हाउस अब तक खाली है। लेकिन चौकीदार ने कहा वह खुद एक भयानक अनुभव का शिकार हुआ है जब वह इस रेस्ट हाउस में आया ही था। एक बार कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को उस रेस्ट हाउस में रुकने के लिए आना था। मैं वहाँ पर फायरप्लेस में आग जलाने गया था। आग जलाते ही मैंने अचानक देखा एक जानवर जैसा कुछ, एक काली बिल्ली की तरह उस लकड़ी के फर्श पर बैठा था और आग की तरफ लगातार देख रहा था। मैं चिल्लाया, कौन है? वह चीज़ मेरी तरफ मुड़ी और उसकी बड़ी बड़ी लाल आँखों से मैं डर गया। उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा एक चुड़ैल के चेहरे जैसा था और वह मेरी तरफ देखकर गुर्राई,
और फिर एकदम से यह गुर्राना एक अजीब भयानक भारी आवाज़ में बदल गया और ऐसा करते चिल्लाते हुए वह वहाँ से गायब हो गई। और सर, फिर मैं भी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। मतलब ये सर कि मैं भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और फिर वहाँ पर कभी नहीं गया। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मिस कैलनर की स्टोरी। इसमें राइटर बताते हैं, मिस कैलनर जो मेरे बचपन में मेरे घर के पास रहा करती थी, वो एक युवा लड़की की अजीब डरावनी कहानी बताती थी। उन्होंने बताया था कि यह लड़का एक लड़की की एक तरफा मोहब्बत में पागल था, मगर वह लड़की उसको बिल्कुल घास नहीं डालती थी। एक बार जब वो लड़का इस लड़की का पीछा कर रहा था, तब वह अचानक तीव्रता से मुड़ी और उस लड़के को देखकर बोली, वह देखो वह चूहा। उस लड़की ने उस बड़े चूहे की तरफ इशारा किया जिसे कुछ बच्चों ने कुछ देर पहले ही मारा था। मैं इस मरे हुए चूहे से शादी कर लूँगी, पर तुमसे कभी नहीं करूँगी। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। उसके कड़वे शब्द लड़के ने अपने दिल पर लिए और कुछ ही समय बाद वह मर गया। उस लड़की की मृत्यु के बाद एक बड़ा चूहा उस लड़की को डराने लगा और अक्सर उसे काट लिया करता था। इसी कारण वह पूरा परिवार बॉम्बे चला गया ताकि वहाँ पर से लंदन के लिए पानी का जहाज़ ले सके। जैसे ही उस पानी के जहाज़ ने बंदरगाह को छोड़ा, वहाँ तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। एक जगह लोगों की भीड़ लग गई। इसी लड़की के सामने एक बड़ा भयानक और किसी इंसान की सूरत से मिलता जुलता चूहा दिखाई पड़ा। उसकी लाल बड़ी बड़ी आँखें बड़ी ही खूंखार दिखाई पड़ रही थीं। वह उस लड़की पर हमला करने ही वाला था कि भीड़ को बढ़ता देख वह तुरंत पानी में कूद गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद मिस कैलनर की कहानी के अनुसार वह उस लड़की को कभी दिखाई नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, पुराने डाक बंगलोज, फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज, इन सब जगहों में एक ख़ास बात तो होती है कि अक्सर इतने अकेले पड़े स्थानों में ये जगह काफ़ी हद तक भूतहा हो जाती हैं। और अक्सर हिल स्टेशंस तो भूतों की कहानियों से भरे ही होते हैं, पर कुछ देशों में ये भूतहा जगहें टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र भी होती हैं। जैसे ब्रिटेन में सौयों महल, किले, घर हैं जहाँ अक्सर लोग भूत देखने जाते हैं। कुछ टूरिस्ट खास करके रोमानिया, ट्रांसिल्वेनिया जाते हैं ड्रैकुला का महल देखने। तो फिर क्या हम लोग भी इस भूत आंटी को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन मान लें? बस वह गाड़ियों को भ्रमित करके उनके एक्सीडेंट्स कराना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ स्टोरीज फ्रॉम सम हिल स्टेशन घोस्ट्स, और इन स्टोरीज को भी लिखा गया था सर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये स्टोरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप मैं सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोस को और इन्जॉय करते रहिए मेरी सभी स्टोरीज़ को। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।